अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आप देख रहे हैं लाइफ विद मिशी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है आलू और मेथी की रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुँचेगी। चले जी, अब हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने मेथी की दो गठियाँ ली थी, जो मतलब एक प्याला बन जाता है, बड़ा वाला कोल। तो इसको हमने कट करके अच्छी तरह वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह होती है। आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह धो लेना है क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। यहाँ पर हमने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के आलू और इसको हमने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पर प्याज ले लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है नमक, हसबे ज़रूरत आप लोग ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 2 टमाटर हमने लिया है यहाँ पर, 3 मिर्चें ली हैं, हरी मिर्ची जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1/2 कप ऑयल और हरा धनिया। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पर हमने प्याज ऐड किया, अब हम प्याजों को फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर वाइट ना हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। प्याज यहाँ पर पिंक से वाइट हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, मिर्चें, नमक, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी, ये डाल के मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है 5 मिनट तक, अच्छे से मसाला बनाना है। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला अच्छे से रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे मेथी। हम मेथी डाल देंगे इसमें। बाज़ लोग जो है आलू मेथी जो है मेथी को बॉईल करके बनाते हैं और कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये इजी तरीका है आलू मेथी बनाने का। यहाँ पर हमने मेथी ऐड कर ली है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे कवर करके। इसी में ये पानी छोड़ेगी और उसी पानी में ये कुक होगी। यहाँ पर देखें हमने फ्लेम मीडियम रखी हुई थी, तो ये देखें मेथी ने पानी छोड़ा था और अब हमने फ्लेम हाई कर दिया, जो थोड़ा सा पानी ये खुश करेंगे। मेथी में पानी छोड़ के उसी में ये गल जाती है मेथी, इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू डालेंगे इसमें, हरी मिर्चें डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, अब हम इसको भूनेंगे। हमने इसको भून लिया, ऐड करेंगे हरा धनिया, मिक्स करेंगे। विंटर्स में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है आलू मेथी, अभी तो सीज़न भी है मेथी का, इसलिए। चलिए जी, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे और इसी में हमारी मेथी और आलू तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देखें हमारी ज़बरदस्त सी आलू मेथी तैयार है। आप लोग इसको मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी के ऊपर मक्खन, देसी घी वगैरह लगाकर खा सकते हैं, उसके साथ बहुत टेस्टी होती है। चले जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।